ये नागमणी मुझे हासिल करनी है, ये नागमणी मेरी है। नागमणी के लालच में तूने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया। अब मैं तुझसे तेरा बच्चा छीन लूंगी। जिस तरह मैं जिंदगी भर औलाद के लिए तड़पूंगी, उसी तरह तू जिंदगी भर औलाद के लिए तड़पेगा, उसी तरह तू जिंदगी भर औलाद के लिए तड़पेगा। सॉरी ठाकुर साहब। आज तेरे बच्चे को डसक मैंने अपना बदला ले लिया। अब तू भी जिंदगी भर खून के आंसू बहा, जिस तरह मैं जिंदगी भर तड़पूंगी। ये अभी मरा नहीं है,
शायद मैं इसका जहर निकालने में कामयाब हो जाऊं। भगवान का शुक्र है, इसे होश आ गया। बेटे बेटे बेटे, तेरा नाम क्या है? हाँ, तेरे बाप का नाम क्या है बेटे? तू किस गांव का रहने वाला है? नारो नारो बेटे नारो। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो एकदम शिव जी का रूप लग रहा है। आज से हम तुझे शिवा कहेंगे। शिवा मेरा शिवा मेरा बच्चा शिवा। ओम नमो चामुंडे चामुंडे रुद्राय रुद्राय मरघट देवता मरघट देवता। फट 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 स्वाहा 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 फट स्वाहा। ओम नमो रुद्राय चामुंडे मरघट देवता फट स्वाहा। मैं तेरे कब्जे में आ गया शिवा। मैं हार गया। तू तू जब भी बुलाएगा शिवा, जहां भी बुलाएगा मैं आऊंगा। बेटे इसे छोड़ दे। तू जो देगा वही करूंगा। अब मुझे छोड़ दे। शाबाश बेटा, इसे हमेशा संभाल कर रखना और मेरे दिए हुए मंत्रों को भी हमेशा याद रखना, क्योंकि ये मंत्र जिंदगी भर तेरे काम आएंगे। मगर इसका इस्तेमाल कभी अपनी गरज और अपनी लालच के लिए नहीं करना। इसका इस्तेमाल करना सच्चाई के हक में और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ।
मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। महाराज की बेटा डमरू बंद करिए डमरू राग, ये ले 20 रुपए। ये किस लिए बापू? अरे बिंदिया के लिए मेले से कोई अच्छी सी भेंट खरीद लाना। तुझे मालूम नहीं क्या नागपंचमी है? मालूम तो है बापू, मगर बिंदिया से मुझे बहुत डर लगता है। जंगली शेरनी है साली। अरे तो तू कहाँ का इंसान है? मैंने बचपन से तुझे ये जड़ी बूटियाँ किस लिए खिलाई हैं? अरे एक बार पकड़ में आई तो बस जकड़ लेना। क्या देख रहा है रे? बदन पर घी मल के आई है क्या? नजर तेरे चेहरे पर टिकती नहीं, झट फिसल के नीचे। अच्छा ऐसा रुख लग गया है रे? हाँ देखना, मैं ऊपर देखता हूँ, नजर नीचे फिसल जाती है, नजर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कैसी कही? मेरे प्यारे डमरू, हाँ? जी चाहता है तुझे दोनों तरफ से बचाऊं, ऊपर से भी और नीचे से भी। हाँ? तो शुरू हो जा, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। फट जाएगा रे ये, हाँ? ये जड़ी बूटियाँ साफ करके पीस देना, मैं मेले से आकर ले जाऊंगी। अरे वाह, तू मेले में जाएगी तो मैं क्या तेरे बगैर अकेला रहूंगा? तू क्या मुझसे बंधा हुआ है रे? कल नाग पंचमी है, बन जाऊंगा। मुझे बांधने के लिए छोटी रस्सी नहीं, मोटा रस्सा चाहिए। ए, 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 मेरे मोटे रस्से। आय हाय मेरे आलू बुखारे। ओहो, क्या है? कल नागपंचमी का जश्न है ना, तू क्या करेगा रे? मैं क्या करूं रे? देख ज्यादा पीकर मुझे उठा के भागने की कोशिश मत करना, समझा? और उठाकर भागा तो काटेगी क्या? हाँ गाल काट लूंगी अगर तू मुझे अपने घर उठाकर नहीं ले गया तो, मेरे आलू बुखारे। ओ हट, सब सामान जमा हो गया? हाँ हो गया बाबा। तो फिर जाओ, भगवान की दया से ये सारा सामान बिक गया तो इस साल जाड़े आराम से कटेंगे। जी बाबा। बेटा शिवा जी, कल के त्योहार के लिए मेले से सामान लाना ना भूलना। नहीं बाबा। लीजिए, खुराना साहब भी आ गए, आइए खुराना। नमस्ते खुराना साहब। नमस्ते, नमस्ते। आइए बैठिए। बिराजिए। मेले में जाने की तैयारियां हो रही हैं? हाँ साहब, और फिर कल नाग पंचमी भी तो है। अरे हाँ, सुना है आप लोगों के यहाँ नाग पंचमी की रात को शादियां होती हैं? जी हाँ, पहाड़ी लोगों के हमारे कबीले में ये रिवाज है। नाग पंचमी की रात को जो लड़का जिस लड़की को जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले जाए, अच्छा, उसकी शादी उसके साथ कर दी जाती है। लेकिन इस रिवाज का मतलब क्या है? हाँ, हमारे कबीले की लड़कियां अपने से ज्यादा ताकतवर शौहर पसंद करती हैं। अच्छा। वो अपने आप को इतनी आसानी से ले जाने नहीं देती, वो पहले नोचती है, काटती है, मारती है। ये काम इतना आसान नहीं है, आप खुद ही आके देख लीजिए। मैं जरूर आता, मगर रिसर्च सेंटर के काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछने आया हूँ कि आपने सांप क्यों नहीं भेजे। कुछ दिन और दीजिए साहब, अब सांपों के लिए जरा दूर दूर जाना पड़ता है, जैसे ही इकट्ठा होंगे मैं खुद सेंटर आके पहुँचा दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, अगले साल आपके त्योहार में जरूर आऊंगा। नमस्ते। 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 अरे तुम लोग तकलीफ क्यों कर रहे हो, मैं चला जाऊंगा। नमस्ते। कल रात के बारे में क्या सोचा है? सोचा तो है, मगर वो शेरनी से मुझे बहुत डर लगता है यार। शेरनी को पाना है तो तुझे खुद शेर बनना पड़ेगा। कल की रात साल में एक बार आती है, रात गई तो तेरे दिल की बात भी गई। सुन, बिंदिया का ख्याल है कि मैं उसे उठाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुझे मौका दूंगा। सच? हाँ, तू उसे उठा के भाग ले। तो बड़ी अच्छी चीज है।
वो देख। अरे हाँ। अरे देखा अच्छी चुड़िया है। अरे चुड़िया क्या करनी है, देख लिया चल ना। चल मजा आएगा, कैसे झूम रहे हैं। दोस्तों ये अजगर सांप है, इसमें जहर नहीं होता और ये हरिद्वार के जंगलों में पाया जाता है। घबराइए मत, ये काटता नहीं, सिर्फ लोगों को निगल जाता है। देखिए चुके, देखिए नहीं नहीं करिए मत, कुछ नहीं करिए, देखिए देखिए निकल निकल। ए, तेरी आंखें घड़ी घड़ी कहाँ अटक जाती है, तू तो काम से गया रे। ए, तू हमेशा मेरी आंखों को क्यों देखती है, डमरू की आंखों को देख, कितनी सुंदर है। यो कैसी गई माँ? पिताजी ओ माँ, मेला हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। और मेले में क्या क्या देखा? ओ पिताजी, मेले में बहुत भीड़ थी, रंग बिरंगे कपड़ों में सभी लोग, गांव वाले गांव वालिया, चूड़ी वाले चूड़ी वालिया, फुगे वाले फुगे वाले, सांप वाले सांप वालिया। नहीं नहीं सांप वालिया नहीं, सिर्फ एक सांप वाला ही था। अच्छा? हाँ सच, प्यारा सा सांप वाला और प्यारा सा उसका खीर, क्या हम भूल ही नहीं पा रहे उसे। मगर कुछ खाया पिया भी या सिर्फ सांप का खेल ही देखती रही? ओ माँ, गरम गरम जलेबी, ठंडी ठंडी कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, गरम गरम जलेबी, ठंडी गरम गरम ठंडी, हम कितनी खा है हमें खुद ही नहीं मालूम। हमारे हाथ भी गंदे हो गए माँ, हम अभी नहा कर आए। अच्छा बेटी, एक तो बाहर का दरवाजा बंद है ना? हाँ मालिक, दरवाजा बंद है। Oh, 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 oh
जो कर ले ना हाथ लगूं तेरे, उड़ता परिंदा मैं बनूंगा। जतन चाहे जो कर ले ना हाथ लगूं तेरे, उड़ता परिंदा मैं बनूंगा। मस्ती में खड़ के लगी।
हमारे कानों में तो अभी तक उसकी बीन गूंज रही है। जी चाहता है हम नाचने लगे। ये जादू बीन का है या बीन वाले का हम कैसे बताएं? हम पर तो खुद जादू हो गया है। वो चेहरा आंखों के रास्ते दिल में उतर गया है। पारो, तू जो सोच रही हो नहीं हो सकता। तू चौधरी चरणजीत सिंह की बेटी और वो गली गली फिरने वाला एक सपेरा। जो हुआ उसे सपना समझकर भूल जा। नहीं पूनम, कभी कभी सपने सच भी तो हो जाते हैं। ये देखिए बाबूजी, इस सांप की नस्ल की फसल हिमालय में बड़ी, दिल्ली में लड़ी और बची कुची हमारे जंगलों में आ पड़ी। मुझे तो लगता है उस खानदानी फौज का ये आखिरी सिपाही है। भाई वाह, ये आखिरी सिपाही का तो जवाब नहीं। हम भी तो देखे वो आखिरी सिपाही। और हाँ शिवा, ये मेरी लड़की पूनम है और ये पारो मेरी सहेली है। शिवा बाबा कल्पनाथ का बेटा है, इसके पास बड़े हुनर हैं। कुछ हुनर तो हम भी देख चुके हैं इनके। अच्छा तो तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो। सुनो शिवा, मुझे शहर जल्दी से जाना है। अच्छा, तुम कल आके हिसाब कर लेना। जी सरकार। वेली राम, पिटारी को मोटर में रखो। और सुनो पूनम, शिवा को जाने से पहले चाय जरूर पिला देना। तुम दोनों आराम से बैठ के एक दूसरे को देखो, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। आपको सांपों से डर नहीं लगता? सांपों को मुझसे डर लगता है। सच? हमको तो सांप देखकर ही डर लगता है। आप सांप कैसे पकड़ लेते हैं? सांप कैसे पकड़ते हैं देखना चाहोगे आप? हाँ जरूर देखना चाहेंगे। कब? कल सुबह आप काली माता के मंदिर में आ जाओ, वहाँ से मैं आपको हरिपुर जंगल ले जाऊंगा। अरे ये क्या है? टेप रिकॉर्डर। टेप करीडर? टेप करीडर नहीं, टेप रिकॉर्डर। इसमें तुम्हारी बीन की आवाज आ जाएगी। तो उससे क्या होगा? हम जब भी चाहेंगे तुम्हारी बीन सुन सकेंगे। तुम दूर रहकर भी हमेशा हमारे करीब रहोगे। अच्छा ऐसा होता है? देखें शुरू करो। करो ना। कहाँ गई? अरे ऊपर क्या कर रही हो? देखा कितना आसान है सांप बुलाना। तुम्हारे लिए हमारा दिन तो डर से बैठा जा रहा। मेरे को तो डरने की कोई बात नहीं, आ जाओ नीचे उतरो। अगर सांप फिर से निकला तो? जब तक मैं नहीं चाहूंगा कोई भी सांप तुम्हारे पास नहीं आएगा। आओ नीचे आ जाओ। ना। आओ। नहीं नहीं आओगी? नहीं नहीं। तो फिर सांप लाओ ऊपर। नहीं। तो फिर आओ नीचे। हमें उतारो। आ, 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 आ,
दिलदारा। जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा। जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली
पारो देखो डूबता हुआ सूरज कितना अच्छा लग रहा है। हमें डूबता सूरज अच्छा नहीं लगता। क्यों? ये रात की खबर आता है और हम चाहते हैं रात कभी ना हो। रात को तुम हमारे साथ नहीं होते ना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन लेकिन क्या? हम पिताजी से बहुत डरते हैं। अब हम जाएं? अभी नहीं, हम भी यही चाहते हैं। तुम हमें कभी जाने मत दो। तुमसे जुदा होने को दिल ही नहीं करता, ऐसा क्यों? इसी का नाम प्यार है। हमें प्यार करते रहो शिवा, सचमुच हमें प्यार बड़ा अच्छा लग रहा है। हम कल आएंगे। मैं कल होने का रात भर इंतजार करूंगा। घोड़ा घास की जगह अगर सोना खाने की कोशिश करेगा तो दांत टूट जाएंगे उसके। अपने कद से ऊंचा मत उछल शिवा, अगर अगर चौधरी को पता चल गया तो खून खराबा हो जाएगा। समझता क्यों नहीं रे? बारो इधर आओ। जी पिताजी। कहां से आ रही हो? बाहर से। किसके साथ थी? पिताजी वो है ना, आइंदा मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर नहीं जाओगी तुम, समझी? जी। जाओ अंदर। मुनीम जी चलो मेरे साथ, मैं उस सपेरे की टांगे तोड़ दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की तरफ कदम उठाने की? सरकार, छोटे लोगों की मुंह लगना आपको शोभा नहीं देता। हुजूर आप नहीं समझे, आप वहां जाएंगे तो बदनामी आपकी होगी। अरे मुझे हुक्म दीजिए, मैं जहर को जहर से खत्म कर दूंगा। हुजूर आप नहीं समझे। कैसे? हुजूर एक तांत्रिक है कालू नाम, वो अपने जादू टोने से उस सपेरे छोकरे को अपाहिज कर देगा। हुजूर आप नहीं समझे, फिर वो चल नहीं सकेगा और पारू बिटिया उससे मिल नहीं सकेगी। बस 200-300 रुपल्ली की बात है सरकार। तुम रुपयों की चिंता मत करो, ये रखो, लेकिन काम आज ही हो जाना चाहिए। अरे ये रुपया देखकर कालूनाथ आज को कल नहीं होने देगा सरकार। ये थैली और बीन वाला जो लड़का है ना, यही शिवा है। अच्छा, ये मुर्गी का बच्चा। क्यों बच्चा, अपने आप को बड़ा तांत्रिक समझता है? जरा हमको भी अपनी बीन सुना। अरे घबराते का आए हो?
तू शिवा कालूनाथ तू बाबा बाबा मुझे माफ कर दे बाबा। माफ तो तुझे तभी करूंगा जब तू ये बता देगा कि तूने शिवा पर वार क्यों किया। बोल बाबा। बाबा मेरा कोई दोष नहीं है बाबा, चौधरी चरणजीत सिंह ने मुझे शिवा को मारने भेजा था। लंबू ने मरवा दिया बाबा। बाबा शिवा से कहो मुझे छोड़ दे। शिवा इसे छोड़ दे। आखिर चौधरी की शिवा से क्या दुश्मनी हो सकती है? बोलता क्यों नहीं? आखिर चौधरी को तुझसे काहे की दुश्मनी है? मैं बताती हूँ बाबा, ये चौधरी की बेटी से इशक लड़ाता है। मैंने और डमरू ने कल अपनी आंखों से इसे पारो को गले लगाते हुए देखा है। जरूर चौधरी साहब को पता चल गया होगा, इसलिए उसने कालूनाथ को भेज दिया इसके पीछे। और अगर उसका जादू इस पर चल जाता तो क्या होता? कैसे चल जाता? मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ। हाँ हाँ, तू तो भैरव देवता बन गया है ना। थोड़ी सी विद्या क्या सीख ली अपने आप को तांत्रिक का बाप समझने लगा है। सच्चाई से आंखें ना चुरा शिवा, तू एक गरीब सपेरा है, रोटी कमाने के लिए जंगल जंगल भटकता है। सांप का खेल दिखाकर तू अपना पेट पालता है। तेरी जगह ये झोपड़ा है वो हवेली नहीं। चौधरी के पास दौलत है, ताकत है, सारे इलाके में नाम है उनका। उनके कदमों में बैठने के लिए है हम, बराबरी का सोच भी नहीं सकते। कल मेरे साथ चलकर चौधरी से माफी मांग लेना। किस बात की माफी? क्या किया है मैंने? प्यार करना कोई जुर्म नहीं। चुप। हर वो बात जुर्म होती है जिसे समाज और बरादरी ठीक ना समझे। कल से तू इस बस्ती के बाहर नहीं जाएगा, समझा? ये इस तरह नहीं मानेगा बाबा। तू घबरा मत, इस उम्र में भी मैं उसकी निगरानी कर सकता हूँ। तुम लोगों को मालूम था, फिर भी तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया। बाबा मैं तो बताने आ रहा था, शिवा ने मेरे को बोला बाबा को मत बताना। शिवा तो नादान है। अरे बाबा आप क्या? बाबा क्या? जब बेटे की घर में शिकायतें आने लगे जी बाबा, और गांव में चर्चा होने लगे, तो समझो बेटा जवान हो गया, उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो देख किस बात की बाबा, जल्दी कर दो। हाँ अब तो करनी ही पड़ेगी। बाबा मेरी भी शादी। तू चुप कर, तू अभी जवान नहीं हुआ। जब तेरी शिकायतें आने लगेंगी तो तेरी भी शादी कर दूंगा। लालल की बुसीला लो बाबा लो। अरे भाई अच्छा बताया तुमने शहर वाले को, कौड़ियों के भाव पर तुमने जमीन खरीद ली। क्यों बने मरलाखों के भाव भेज दी। हम कल आएंगे। मैं कल होने का रात भर इंतजार करूंगा, रात भर इंतजार करूंगा। वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। अरे बाबा को देना दे। बाबा ये लो। सुनती नहीं है ये। बहुत डाल दिया। बाबा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों भाई? बिल्कुल ठीक हो तो तुम काम पे नहीं गए? कितना काम पड़ा है, सांपों को पकड़ना है, जहर निकालना है, जहर सेंटर पहुंचाना है। अरे ये तो मैं भूल ही गया। पर सबसे बड़ा काम तो ये है ना बेटा, तुम्हारी निगरानी करना। पर बेटे तुझे तो कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं मुझे क्या तकलीफ है। बिल्कुल ठीक हूँ।
शिवा को तो मैंने कुटिया में बंद कर दिया है। हाँ हाँ। मगर ये बताओ, शंकरनाथ की शादी में सारी बस्ती जा रही है? हाँ बाबा, सारी बस्ती जा रही है रात भर गाने बजाने के लिए। तब तो हमें भी जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब है, हम वहां से जल्दी लौट आएंगे। सारी बस्ती को नाचने गाने दीजिए, मैं और घोटू आपके साथ चले आएंगे। ठीक है। चलो चलिए चलिए। क्यों दोस्त नागराज, क्या देख रहा है? तरस आ रहा है मुझ पे? हाँ यार, पारो के बगैर मैं रह नहीं सकता। बाबा ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। अगर तू मेरा असली दोस्त है तो जाके कड़ी खोल दे। दोस्त है तो दोस्ती निभा। जा। शाबाश नागराज, तूने अपनी दोस्ती निभा दी। पिताजी को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है। घर से बाहर निकलने के लिए पाबंदी लगा दी हम पर। लगता है पिताजी आ गए। तुम यहां से चले जाओ शिवा। नहीं, आज मैं उन्हें बता दूंगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने हमें साथ देख लिया तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें हमारी कसम। जाओ ना हमारी खातिर। आ!
है वो सपेरे का बच्चा। और मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर कदम मत रखना। क्या हुआ, इतनी रात गए, कहाँ से लाए हो इसे, कहाँ गई थी ये? ये तुम अब इसी से पूछो। उस सपेरे के बच्चे को मैं आज ही खत्म कर देता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, उसका कोई कसूर नहीं है। जान लेनी है तो हमारी जान ले लीजिए। जाओ पारू, मैं तुम्हें, हट जाओ, हट जाओ। हुजूर, यही है वो शिवा। खत्म कर दो हरामजादे को। जा तुम लोग, इसकी आखिरी सांस मेरी बंदूक की गोली ही खत्म करेगी। आज मैं तेरी खवी जात से इस धरती को छुटकारा दिला दूंगा। नहीं! ये क्या कर रहे हैं चौधरी साहब? ये मेरा बेटा है। तेरे बेटे ने चौधरी खानदान की इज्जत पर हाथ डाला है, ये जिंदा नहीं बच सकता। नहीं चौधरी साहब, ये नादान है, ना समझ है, इसकी ये गलती माफ कर दीजिए। ये अब माफी के काबिल नहीं रहा, हट जाओ। चौधरी साहब, मैं आपके पांव पड़ता हूं, इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस उम्र में मेरा सहारा ना छीनो। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद शिवा आपकी बेटी से कभी नहीं मिलेगा। हम लोग यहां से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, अगर इस मार से ये जिंदा बच भी गया तो मेरी नजर पड़ने से पहले इसे इतनी दूर ले जाना कि हवा भी इसका पता मुझ तक न पहुंचा सके। चलो। मेरे लाल, मेरे बच्चे, आंखें खोल, आंखें खोल मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे लाल, आंखें खोल मेरे लाल। अब हम यहां नहीं रहेंगे बेटे। शिवा, शिवा आंखें खोल। गुस्से में कुछ करके तो नहीं आए ना? मुझे गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे आदमी ने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होगा। कैसा है शिवा? शिवा, शिवा, कौन है ये?
यही तो है चौधरी की बेटी। क्यों आई हो तुम यहाँ? और भी कोई जख्म देना बाकी रह गया? क्यों मेरे बेटे की जिंदगी छीन लेना चाहते हो तुम लोग? भगवान के लिए इसे इसके हाल पे छोड़ दो, चली जाओ यहां से। चली जाओ यहां से, मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दो, मेरे बच्चे की जान बख्श दो। ना जाने मेरा बच्चा कितने पल का मेहमान है। चली जाओ, चली जाओ, जाओ। मेरा बच्चा, अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब हम यहां नहीं रह सकते। तुम अंदर जाओ, मैं इसे समझा दूंगी। क्या खाक समझाओगी तुम इसे? कितनी हिम्मत बढ़ गई है इसकी, इससे पहले कि बाप के हाथों बेटी का खून हो जाए, रोक लो इसे। समझा दो इसे कि चौधरी चरणजीत अपने खानदान की इज्जत पर कलंक नहीं लगने देगा। आज इसको इसकी असलियत बता दो। पारो, कहां गई थी तू? सपेरों की बस्ती में। शिवा ने किसी का क्या बिगाड़ा है माँ, जो लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं? धनवान होने का ये मतलब तो नहीं कि गरीबों की जान ले लो। उसका कसूर यही है ना कि वो हमसे प्यार करता है, तो हम भी उससे प्यार करते हैं। आप हमारी जान ले लीजिए, हमें मार डालिए। हम पूछते हैं प्यार करना अपराध है क्या? पारो, होश में आ, और आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ उसे सुनने के लिए अपने दिल को तैयार कर ले। तेरे लिए प्यार सिर्फ अपराध ही नहीं, पाप है। मगर क्यों माँ, क्यों? तेरा विवाह बचपन में ही हो चुका था, तुझे बतलाया नहीं गया था, तू बहुत छोटी थी। हमारा विवाह किसके साथ? राजपुर के चौधरी श्यामलाल के बेटे राम के साथ। कब? जब तू 3 साल की थी। 3 साल की? हमें होश भी नहीं था और आपने हमारी शादी कर दी। हाँ, और तेरे पति को सांप ने काट लिया और चंद ही मिनटों के अंदर तेरा सुहाग इस दुनिया से चल बसा और तू विधवा हो गई। नहीं माँ, नहीं, हम विधवा नहीं है। हमें शादी को नहीं मानते, हमें शादी को नहीं मानेंगे, कभी नहीं। पारो, धर्म के बंधन इस तरह तोड़े नहीं जा सकते। समाज का कानून अटूट है, हम मजबूर हैं। अगली नवमी को तेरी विदाई है, तुझे जाना होगा अपने ससुराल। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कहो, ये हमारे साथ धोखा है। इतना बड़ा अन्याय मत करो माँ, हम नहीं सह पाएंगे, हम मर जाएंगे माँ, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे माँ, ऐसा मत कहो। तुझे तो सब कुछ मालूम है भगवान, तू जानता है हम और शिवा एक नहीं हो सकते। फिर हमारे दिलों में प्यार क्यों पैदा किया, क्यों एक दूसरे के लिए तड़प दी? हमारे भाग्य में तो जो लिखा है हम सह लेंगे, मगर शिवा को ये जुदाई का गम क्यों दिया तुमने? वो निर्दोष है, उसे प्यार के दुख से बचा ले, हमारा प्यार उसके दिल से निकाल दे। हम रहे या ना रहे, उसे लंबी उम्र देना, उसकी रक्षा करना भगवान, शिवा की रक्षा करना। पूनम, पारो मंदिर में? हाँ। पारो, तुम ठीक हो? पारो, हम अच्छे हैं, तुम ठीक हो ना शिवा? मोहब्बत के दुश्मन जितना चाहे जुल्म कर लें पारो, हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता।
जीत हमारे प्यार की होगी। प्यार? कौन सा प्यार? तुम्हारा मेरा प्यार। होश में तो हो? बदनाम करना चाहते हो हमें? हमने तुम्हारी बीन सुनी, उसकी तारीफ कर दी, तो तुमने उसे प्यार समझ लिया? हमें तुम अच्छे लगे, तुमसे दोस्ती करी, तुमने उसे प्यार का नाम दे दिया? तुमने ये सोचा कैसे कि हम तुमसे प्यार कर सकते हैं? हमारा खानदान जानते हो? कहां चौधरी चरणजीत सिंह का नाम और कहां तुम, दर दर भटकने वाले एक सफेद। उस हवेली की दहलीज तुम्हारा माथा टेकने के लिए है, तुम्हारे कदमों के लिए नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? हाथ मत लगाओ हमें, हम शादीशुदा हैं। शादीशुदा? तुम शादीशुदा हो? हाँ। ऐसा मजाक मत करो पारो। मजाक? सारी बिरादरी जानती है, जब हम 3 साल के थे हमारी शादी हो गई। इस नवमी को हमारी विदाई है, हम राजपुर जा रहे हैं अपनी ससुराल। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों धोखे में रखा मुझे? मेरी जज्बातों से खेलती रही तुम, फक्कार धोखेबाज। शिवा, गरम गरम खाना खा ले। ये क्या कर रहा है? क्यों मरना चाहता है? चौधरी की लड़की जरूर तुझे पागल बनाकर रहेगी। जब से वो तेरे मगज में खुशी है, तू तो हंसना ही भूल गया है रे। चल उसे भूल जा, ले खाना खा ले। देख, अगर तूने आज मेरा खाना नहीं खाया तो मैं समझूंगी तू मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे मालूम हो गया तू चौधरी की लड़की से कितना प्यार करता है। आज से मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। आइए खुराना साहब, आज अचानक कैसे आना हुआ? आज तो मैं न्योता देने आया हूँ। कल रात को मेरी बेटी पूनम की शादी है, आप सबको आना पड़ेगा और शादी की खुशी में सबको नाचना गाना भी पड़ेगा। भाई हम बुड्ढों को तो माफ कीजिए, अब इतनी रात को पैदल चला नहीं जाता। हाँ शिवा हमारे लड़के लड़कियों को लेकर जरूर हाजिर हो जाएगा, आपकी हर खुशी पूरी करेगा। क्यों बेटे शिवा? हाँ हाँ खुराना साहब, हम जरूर आएंगे। बाबूजी शिवा आ गया। नमस्ते। आओ भाई शिवा, तुम्हारा गाना सुनने के लिए सब बेकरार हैं। आओ दूल्हा दुल्हन से तो मिल लो। शादी मुबारक। शिवा आज कौन सा गाना गाओगे? आज मुझे गाने से माफी दे दो, लेकिन मेरे साथी तुम्हारी शादी में जरूर नाचेंगे। अगर आज तुमने नहीं गाया तो किसी का दिल टूट जाएगा। किसी का टूट न पाए, शीशा चाहे टूट भी जाए, दिल ना किसी का टूट न पाए। शीशा तो भी मिल जाता है, दिल नहीं वो चीज जो बाजार में मिल जाए। ये नहीं
नहीं वो फूल जो फिर बाग में खिल जाए, दिल नहीं वो चीज जो बाजार में मिल जाए, ये नहीं वो फूल जो फिर बाग में खिल जाए। इस नौमी को हमारी विदाई है, हम राजपुर जा रहे हैं अपनी ससुराल। चले जाना एक गुजारिश करे ये दीवाना, जा खुशी से तुम चले जाना एक गुजारिश करे ये दीवाना, ठहरो जरा मैं होश में आलू टुकड़े दिल के चुन के उठा लो, ना कोई टुकड़ा तुमको कहीं चुभ जाए, ना कोई टुकड़ा तुमको कहीं चुभ जाए, शीशा तो फिर मिल जाता है, दिल नहीं वो चीज जो बाजार में मिल जाए, ये नहीं वो फूल जो फिर बाग में खिल जाए, चीज जो बाजार में मिल जाए, ये नहीं वो फूल जो फिर बाग में खिल जाए। श्यामलाल, आज हम तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस सौंप रहे हैं। चरणजीत, पारो को हम बहू बनाकर नहीं ले जा रहे हैं, वो हमारी बेटी की तरह हमारे पास रहेगी। पारो हमारे राम के आखिरी निशानी है, अब इसके सिवा हमारी जिंदगी में है ही कौन। तू दिल छोटा मत कर पारो, हम सब लड़कियां तुझसे मिलने राजपुर आया करेंगे। हाँ हाँ, हम मिलने आया करेंगे, सब मिलने आया करेंगे। लड़कियों, हाँ मौसी चाची, पारो को तैयार कर दिया। बच्चियों, अपनी सहेली से गले मिलना, विदाई का वक्त आ गया। मेरी बच्ची Ha ha ha!
मेरी बहन शांति है। नमस्ते मामा जी। ये शांति का बड़ा बेटा रौनक लाल और वो छोटा बबलू। नमस्ते। चलो बहू अंदर चलते। चलो। मालकिन बहू रानी को तेल तो चुवा ले। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बचपन में ही जो मेरे भतीजे को खा गई उसके लिए तेल चुवाएगी तू? ना जाने कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मेरे राम का विवाह किस मनहूस के साथ हुआ था। शांति तुम अंदर जाओ। चलो देखो बुरा मत मानना, दीदी की तो आदत ही ऐसी है। चलो। माँ क्या ये अब सारी उम्र ऐसे ही विधवा बनकर रहेगी? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसे नहीं रहेगी तो फिर कैसे रहेगी? मेरा मतलब ये था माँ कि अभी उसकी उम्र ही क्या है और फिर बचपन की शादी कोई शादी थोड़ी होती है। तेरा तो दिमाग वाकई में खराब हो गया है। हमारे समाज में लड़कियों की शादी सिर्फ एक ही बार होती है। शिवा। ओ पूनम जी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी सहेली कैसी है? शादी के दिन खाना खाए बिना क्यों चले गए? मेरी भूख तो किसी की बेवफाई खा गई। नहीं शिवा इसमें पारो का कोई दोष नहीं है। हाँ दोष तो मेरा है, मेरे जन्म का है, मेरी जात का है जो मैं ऊंच नीच समझ नहीं पाया। लेकिन वो तो ऊंचे जात की है, पढ़ी लिखी है, फिर उसने मेरे प्यार को बढ़ावा क्यों दिया? क्यों मेरा हाथ थामा जब अपना हाथ किसी और के हाथ में दे चुकी थी? किस जन्म की दुश्मनी थी पूनम जी जो उसने मुझे ऐसा धोखा दिया? धोखा तो तकदीर ने पारो को दिया है शिवा, जिसने बचपन में उसे दुल्हन भी बना दिया और विधवा भी। ये क्या कह रहे हो आप? ये सच है शिवा, वो बचपन से ही विधवा है, मगर आज तक पारो को भी ये बात मालूम न थी। घर वालों ने सोचा जिंदगी भर का दुख तो बेचारी की किस्मत बन ही चुका है, जितने भी दिन मैके रहे उतने दिन तो कम से कम खुशी से गुजार ले। मगर जब उसे असलियत का पता चला तो मजबूरन उसे अपनी मोहब्बत का गला घोटना पड़ा। पारो ने कोई बेवफाई नहीं की शिवा, तुम्हारी सलामती के लिए उसने अपने प्यार का बलिदान दिया है। अरे घोटू। अरे बाबा ये तो बहुत अच्छा सांप है। इसमें तो बहुत जहर निकलेगा। चुप। हमें जहर से क्या, जहर तो कंपनी वाले निकालेंगे। हाँ दाम कुछ ठीक आ जाए तो बेहतर है। बाबा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल बेटे क्या बात है? तुम तो जानते हो कि यहाँ हरिपुर के जंगलों में सांप खत्म हो चुके हैं। हाँ और इससे हमारा धंधा भी कमजोर पड़ गया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए बेटे? मेरी मानो तो हम लोग हरिपुर छोड़कर राजपुर चले चले, वहाँ के जंगलों में सांपों की भरमार है। हाँ हाँ। और धंधा भी चमक जाएगा। हाँ। भाई वाह। अरे बेटे तू तो बड़ा समझदार हो गया है, बड़ी समझदारी की बात कर रहा है। अरे हम कल क्यों, आज ही राजपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। अरे भाई चलो जाने की तैयारी करो। चलो शिवा मत करो, शिवा भीख मत बचाओ। Oh,
अंदर किसने आने दिया? हटाओ ये टोकरी यहां से, हटा! इस घर को सांप और सपेरों से सख्त नफरत है, हटा से! हेलो, हेलो! मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से और खबरदार जो आइंदा इधर का रुख किया चमड़ी खिंचवा दूंगा। आ जाके आज तूफान हम उठाएंगे, हम आज हर सितम की दीवार ढाएंगे। आ जाके आज तूफान हम उठाएंगे, हम आज हर सितम की दीवार ढाएंगे। कह दो के आए जुल्म की फौजे, आग के दरिया गई। हाँ तुम खेलो, हम बैठते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तितलियां पकड़ के लाता हूँ। रुक जाओ पारो, तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब हम तुम्हारे लिए गैर हो चुके हैं, चले जाओ यहाँ से। ये तुम दिल से कह रही हो? हमारा दिल अब हमारा नहीं रहा, समाज के रस्म और रिवाज का कैदी हो गया है। अब इसे सिर्फ तड़पने की इजाजत है, फरियाद करने की नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि अब हम चौधरी घराने की विधवा बहू हैं। ये झूठ है, तुम विधवा नहीं हो, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। ना तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है, ना तुम्हारा दूल्हा तुम्हारी मर्जी से चुना गया है, ना ही तुम्हारा गौना हुआ है। जब तुमने अपने पति को देखा तक नहीं, उससे मिली तक नहीं, तो उसकी विधवा कैसे बन गई? हम जो भी हैं, हमें हमारी किस्मत पर छोड़ दो। समाज के गलत रिवाजों को किस्मत का नाम मत दो पारो, तुम्हें भी जीने का हक है, प्यार करने का हक है। नहीं, मत छो हमें, चले जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना। तुम मेरी जिंदगी हो पारो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं आऊंगा और तुम्हें भी आना होगा, मेरी बीन तुम्हें बुलाएगी और तुम्हें आना ही पड़ेगा। राधा, राधा, सारा काम हो गया? जी बहू रानी, हो गया। तो जा, अब तू आराम कर ले, वो लोग जब कीर्तन से आएंगे तो हम दरवाजा खोल देंगे। मुझे शक्ति दे दे माँ, मुझे शक्ति दे दे, तू तो शक्तिशाली है, मुझे शक्ति दे दे माँ, मुझे मन की शांति दे दे, शिवा का ख्याल मेरे दिल से निकाल दे माँ।
प्रभु शांति। मेरा शिकार जिंदा कैसे है अब तक? इसे तो बरसों पहले मैंने डसकर खत्म कर दिया था। ये जिंदा नहीं रह सकता, इसे मरना पड़ेगा, इसे मरना होगा। देखती हूं तू मुझसे कैसे बचता है। यह झूठ है, तुम विधवा नहीं हो, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। मां जी शक्कर कितनी डाली बहू? एक चम्मच। समाज के गलत रिवाजों को किस्मत का नाम मत दो पारो, तुम्हें भी जीने का हक है, प्यार करने का हक है। ना तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है, ना तुम्हारा दुल्हा तुम्हारी मर्जी से चुना गया है, ना ही तुम्हारा गौना हुआ है। जब तुमने अपने पति को देखा तक नहीं, उससे मिली तक नहीं, तो उसकी विधवा कैसे बन गई? बहू जी हा? पूरे 15 कपड़े हो गए। हमारा जीना मुश्किल कर रहे हो, क्यों बुलाते हो हमें बार बार? भगवान के लिए यहां से दूर चले जाओ शिवा, इतनी दूर के तुम्हारी बीन की आवाज हमारे कानों तक ना पहुंच सके। बीन की आवाज नहीं पारो, ये मेरे दिल की आवाज है जो तुम्हें बुलाती है और तुम्हें आना पड़ता, क्योंकि तुम्हारी बेचैनी का हल हमारी जुदाई नहीं, हमारा मिलन है। पारो नहीं शिवा। पारो जीते जी अपने अरमानों को ये कफन क्यों पहनाया तुमने? मेरे प्यार पे यकीन है तो चलो मेरे साथ। तुम पर तो यकीन है शिवा, लेकिन हम इतनी जल्दी कुछ फैसला नहीं कर सकते, हमें सोचने का वक्त दो। कोई सोच कोई समझ ये नहीं कहेगी कि तो मेरा प्यार अपने दिल में समाए एक विधवा की जिंदगी गुजारो। हम चलते हैं। पारो मैं कल फिर तुम्हारा इंतजार करूंगा। शिवा, शिवा तो हर रोज रात को कहां गायब हो जाता है? देख मुझे सब मालूम है शिवा,
तू पारो से मिलने जाता है ना? मैंने तुझे हरिपुर में कभी नहीं टोका शिवा, लेकिन ये जानकर कि वो शादीशुदा है तो जैसी भी है मेरी है, वो तेरी कभी नहीं हो सकती शिवा। और अगर बाबा को मालूम पड़ गया तो वो तो तेरी खाली खिंचवा देंगे। लो भाई रौनक, अपनी रानी बचाओ। रानी ही तो बचाना चाहता हूँ मामा जी, लेकिन आप मौका तो दीजिए।
शिवा, ये कौन थे शिवा? एक इच्छाधारी नागिन, जब से मैं आया हूं मुझे डसने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्यों? लगता है यह हर कोई मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। ऐसा मत कहो शिवा, मरेंगे तो दोनों साथ, और जिएंगे तो साथ साथ। कल होली है, माँ और पिताजी आएंगे, बस आखिरी बार उनसे मिलने, फिर हम हमेशा के लिए तुम्हारे पास चले आएंगे। अरे भाई अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। मुझे तो पहले ही शक था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया। अब क्या हुआ दीदी? कालिक पल जाएगी खानदान के मुंह पर। इससे तो अच्छा था कि वो अपने माँ बाप के घर रहती और जो चाहे गुल खिलाती, हमारा नाम तो बदनाम ना होता। तुम बहू की बात कर रही हो? बहू? बहुए के रात को पहाड़ी पर जाकर दूसरे मर्दों के साथ प्यार का खेल रचाती है। दीदी क्यों बेचारी पे इल्जाम लगा रही हो? यकीन नहीं आता मेरी बात का, तो चलो देखो बहू कमरे में है कि नहीं। आओ चलो। हाँ? जाओ पास जाकर देख लो दीदी, ये बहू ही है, बहू का भूत नहीं। क्या हुआ माता जी? बुआ जी कुछ चाहिए? शांति तुम्हारी ये जलापे की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है, बेकार में नींद खराब कर दी। ये कैसे हो सकता है? तुम सो जाओ बेटी। जी। अरे भाई होली मुबारक। होली मुबारक। होली मुबारक। बड़ी खुशी हुई। हेलो गुलाल के बगैर होली कैसे? होली मुबारक हो। होली मुबारक भी। बस ठीक हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। आपको भी लगा देते। आपको भी होली मुबारक। आओ बेटी आओ। प्रणाम चौधरी साहब। होली मुबारक। होली मुबारक जी। बहू रसोई घर में जाकर खाने का प्रबंध देख लो। जी। भाई चरणजीत आओ बैठते हैं। चलिए भाई। अभी तो लौकी भी बननी है। चल राधा जल्दी से पूरी बना दे। रौनक लाल मेरा ही भांजा है और पारो से पसंद भी है, इसमें हमें पूछने की क्या जरूरत है चौधरी जी? पारो अब आप ही की बेटी है, लेकिन बुआ जी की बात का हमें बिल्कुल यकीन नहीं। हमारी पारो हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। बुआ जी की बात छोड़िए, वो तो सदा से जुबान की कच्ची है, मगर हमें पारो के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लड़का हमें पसंद है, वैसे जो आप लोग फैसला करें। अगर सबकी पसंद एक ही है तो ये होली से अच्छा अवसर और क्या हो सकता है? और क्या, आप लोग भी तो आजकल यही हैं। मैं तो चाहती हूँ कि कल ही ये शुभ कार्य हो जाए। मैं विवाह का इंतजाम कर लेती हूँ। हम तुम्हारे पास चले आए शिवा, हमेशा के लिए घर छोड़कर। चलो पारो। बेवकूफ लड़के, इतनी जल्दी अपनी बेइज्जती भूल गया तू? इतनी जल्दी भूल गया कि चमड़ी तेरे जिस्म से किस तरह उधेड़ी गई थी, जो तू अपनी मौत का सामान साथ लिए निकल पड़ा है? किस्मत में मौत ही लिखी है तो दीवार में कैद रहकर नहीं मरेंगे हम, नहीं चढ़ेंगे समाज की बनाई हुई सूली पर। वो दुनिया हमें नहीं चाहिए
जो हमारे प्यार को ना समझे। हम अपनी दुनिया खुद बना लेंगे। हमारा रास्ता छोड़ दो बाबा। अरे बेहया लड़की, हरिपुर में तुझे चैन नहीं आया था जो ये विधवा का रूप बनाकर यहाँ नाटक करने चली आई है? बाबा ये नाटक नहीं, बारो सच में विधवा है। क्या विधवा? शादी कब हुई थी इसकी? बाबा 18 बरस पहले हमारी शादी यहाँ के चौधरी श्यामलाल के बेटे से कर दी गई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद हमारे पति को सांप ने काट लिया और वो मर गया। हम विधवा हो गए बिना ये जाने कि हमारा कसूर क्या था। और आज हमने जीने का हक क्यों जीना जा रहा है? तेरे पति की उम्र उस वक्त 4-5 साल थी और उस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण भी था और उसकी लाश को राजपुर नदी में बहाया गया था। हाँ। फिर तो बेटी ना तू विधवा है और ना श्यामलाल का बेटा मरा है। शिवा बेटा, वो राज जो तू नहीं जानता आज मैं तुझे बताता हूं। दरअसल तू मेरा अपना बेटा नहीं है, तू ही मुझे 5 बरस की उम्र में नदी में मिला था। बाबा ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ शिवा, तू ही श्यामलाल का बेटा है। तू ही 18 साल पहले मुझे नदी में मिला था। श्यामलाल ये जानकर कितना खुश होगा। तुम लोग चलो मेरे साथ। चरणजीत, चरणजीत, क्या हुआ श्यामलाल? वही हुआ जिसका मुझे डर था, पारो घर से भाग गई। क्या? हाँ। नहीं साहब, लठबाजों को लेकर आया हूँ, क्या हुक्म है? उन्हें लेकर जाओ, वो सपेरा और पारो अभी ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे। जाओ जाकर तलाश करो उन्हें। हाँ। जाओ ढूंढो उन्हें। हाँ जाओ, मेरी जीप लेकर जाओ। हाँ साहब। मैंने तो कल ही कह दिया था कोई मेरी माने तब ना। मैं तो बात बढ़ा कर करती हूँ, आप क्या दिखाओगे मुझ दुनिया वालों को? दीदी तुम चुप रहो। साहब ये लोग खुद चल के आ गए। चौधरी साहब, मैं कल्पना सपेरा हूँ, शिवा का बाबा। बेटी जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई? चौधरी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई है तूने। चलो पर, चलो पर। मुबारक हो चौधरी साहब, आज मैं आपके लिए वो खुशी लाया हूँ जो बरसों पहले आपसे छीन गई थी। खुशी? हाँ, ऐसी खुशी जिस पे आप दुनिया के सारे खजाने लुटा सकते हैं। ममता और प्यार की वो दौलत जो सिर्फ किस्मत से मिलती है, आपके दरवाजे पर खड़ी है। तुम क्या कहना चाहते हो? चौधरी साहब, आपका एक बेटा था, इकलौता बेटा, जिसे 4 साल की उम्र में एक सांप ने काट लिया था और जिसकी लाश आपने नदी में बहा दी थी। हाँ, इसमें कौन सी नई बात कही तूने? ये बात तो सारा इलाका जानता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आपका वो बेटा जिंदा है। मेरा बेटा? मेरा बेटा जिंदा है? तुम्हें कैसे पता कि वो जिंदा है? जिसे मुर्दा समझकर आपने नदी में बहा दिया था वो बच्चा मुझे मिला। मैंने उसके जिस्म से जहर निकालकर उसे जिंदा किया और अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। कहाँ है मेरा बेटा? बताओ कहाँ है मेरा बेटा? चौधराइन, तो मेरा बेटा तुम्हारे पास है? जी हाँ, मेरा बेटा शिवा दरअसल आपका ही बेटा है। मेरे बेट,
मेरे बेटे। चौधरी, पागल मत बनो। राम, राम। पिताजी, खबरदार, मत छुओ मुझे, दूर हटो। मेरा दिल कहता है कि मेरा ही बेटा है, इसे छूते ही मुझे लगा कि अपना राम है। होश में आओ चौधरी, होश में आओ। इतने सालों तक अगर इनका बेटा तुम्हारे पास रहा तो तुमने इन्हें बताया क्यों नहीं, और आज ये अचानक तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आ गया? इसलिए कि मुझे, इसलिए कि तुम्हारी नजर इनकी दौलत पर है। चौधरी श्यामलाल इन सपेरों के यही हथकंडे होते हैं। पहले तुमने हमारी बहू पे जादू किया और अब अपने बेटे को हमारा बेटा बनाकर हमारी दौलत हथियाना चाहते हो। परेबी धोखेबाज, निकल जा यहां से, निकल जा यहां से वरना। दुख तो इस बात का है कि शिवा के होते हुए भी पारो विधवा है, और जिन हाथों ने इन दोनों को शादी के बंधन में बांधा वही हाथ इन किस्मत के मारों को मिलने से रोके हुए हैं। अरे मैं तो खुद अपने सीने पर पत्थर रखकर चौधरी को उनका बेटा सौंपने गया था, मगर मुझे क्या पता था कि वो। बाबा, पारो आ रही है। बाबा, हमें अपनी शरण में ले लो, हम शिवा के बिना नहीं जी सकेंगे। घबरा मत बेटी, अच्छा किया जो तू चली आई, अब तेरा घर यही है। बेटी, आज बड़ा शुभ दिन है, हम अपनी रीत रिवाज से आज ही तुम दोनों की शादी कर देंगे, फिर तुम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। बिंदिया, पारो को ले जा और ये विधवा का लिबास उतार फेंक, इसे त्योहार के लिए सजा दे। बेटे शिवा जी, ऐलान करवा दे कि आज हम विवाह त्योहार मनाएंगे। जी जी। पारो, तुम्हें पता है हम सफर में शादी कैसे बनाई जाती है? मैं तुम्हें सब बता दूंगी, चलो मेरे साथ। चलो।
देखो नागराज, आज से तुम यहाँ बाहर सोया करोगे। मेरी बीवी जो आ गई है ना, और आज तो मेरी सुहागरात है, किसी को अंदर मत आने देना, समझा? अच्छा पारो। घबरा मत पारो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा पारो। बाबा बाबा शिवा, बाबा क्या हुआ शिवा? बाबा पारो को नागे ने डस लिया बाबा। अरे बाबा इसे बचा लो बाबा, यहाँ लेटा दे। हे भगवान, लेकिन मैंने अपनी सिद्धि तो तुझे बचाने में खर्च कर दी थी, अब तो नागिन से ही जहर वापस चुसवाना पड़ेगा।
क्या कर रहे हो चौधरी? शिवा तो पारू की जान बचा रहा है और तू उसी की जान ले रहा है। देखता नहीं नागिन ने पारू को डस लिया है और अब वही जहर नागिन से वापस चूसवाया जाएगा। जो चाहता है वो कभी नहीं होगा बुड्ढे। मैं अपना जहर वापस नहीं लूंगी। जहर तो तुझे वापस चूसना ही पड़ेगा। कभी नहीं। तू सपेरा है तो मैं इच्छाधारी हूं। तू मेरे रास्ते में मत आ। मेरी दुश्मनी उस चौधरी से है जिसने मेरे बच्चे का खून कर दिया था। मैंने अपने इंतकाम की आग उसके बेटे राम को डस कर बुझाई थी। तूने उस राम को बचा लिया और तांत्रिक शिवा बना दिया कि मैं उसे दोबारा खत्म न कर सकी। लेकिन आज उसकी पत्नी को डसकर मैंने चौधरी के खानदान को बढ़ने से रोक दिया है। अरे जालिम, तेरे बच्चे की हत्या चौधरी श्यामलाल ने की और तू इन मासूमों से बदला ले रही है। इसमें इनका क्या दोष? इन्होंने तो जिंदगी की बाहरें भी नहीं देखी। ये मत भूल, किसी मासूम पर जुल्म करना पाप है। मेरा बदला पाप और पुण्य नहीं देखता। तो मैं तुझे देखता हूं। तेरा सर्वनाश न किया तो मेरा नाम शिवा नहीं। नहीं बेटा। अरे हट धर्मी, तू और हम एक ही देवता के पुजारी हैं, इसलिए मैं तुझे जिल्लत की मौत देना नहीं चाहता। चल अपना जहर वापस चूस ले। शिवा, अब तुझे पूरा अधिकार है। इस हत्यारण का घमंड मिट्टी में मिला दे। मैं तुझे सिद्धि बरतने का आशीर्वाद देता हूं। आज तेरा इम्तिहान है बेटा। शिवा,
शिवा। पारो। शिवा। पारो बेटी। पारो। पारो बेटी। नहीं, नहीं शिवा, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। डरो मत बेटी, डरो मत, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरी आंखों पे पर्दा पड़ गया था जो मैं अपने बेटे को नहीं पहचान सका। मुझे माफ कर दो बेटे, माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं शिवा? बेटे चलो अपने घर चलो। नहीं, यही मेरा घर है, आप मेरे पिता हैं, लेकिन मेरी जिंदगी बाबा की है, मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। सच है बेटा, जो बाप अपने बेटे को पहचान न सके उस बेटे पर बाप का कोई अधिकार नहीं। लेकिन लेकिन ममता ने तो अपने लाल को पहले ही पहचान लिया था। तू तो अपनी माँ से क्यों खफा है रे? माँ, मेरे लाल, माँ, मेरे लाल। तेरे बिना मेरा जीवन वीरान हो गया था, अब मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती। चौधरानी, औलाद माँ बाप के जीवन का सुख होती है, इसीलिए तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारा बेटा सौंपने आया था। बाबा, बाबा अपनी उस गलती के लिए हम शर्मिंदा, बेहद शर्मिंदा। गुस्से और नफरत की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं अपने पांव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर चौधरी साहब। मैं झोली फैलाकर अपनी खुशियों की भीख मांगती हूँ। जीवन, माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है बेटा, अपने माँ बाप को कभी निराश नहीं करना चाहिए। इतने दिनों तक तेरी किस्मत तुझसे रूठी रही, जा जा समेट ले माँ की ममता। नहीं बाबा, नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता बाबा। पगले, तू मुझसे दूर कहाँ है? तू तो हमेशा मेरे पास है, हमेशा मेरे पास रहेगा। तू मुझे भूल सकता है क्या? नहीं बाबा, ऐसा मत कहो बाबा, ऐसा मत कहो। पारो बेटी, बेटा बहू को अपने घर ले जा, अपने माँ बाप के सुने जीवन को खुशियों से भर दे। यही मेरी खुशी है, यही मेरा आशीर्वाद। जा। बस्ती सुन ले, जंगल सुन ले।